हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोटो टेक्नो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चैन स्प्रे कैसे यूज लेना है, यानी कि बाइक की चैन पर चैन स्प्रे कैसे लगाना है, क्योंकि चैन स्प्रे लगाने का भी एक प्रोसेस है। तो हम उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि बाइक की चैन पर किस तरह चैन स्प्रे लगाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको चैन स्प्रे लगाना बता देता हूँ। चैन तो हमने क्लीन कर दी है, तो चैन स्प्रे कई लोग लगाते हैं बहुत, मतलब बाइक को स्टार्ट कर दिया और बहुत स्पीड पे चला रहे हैं और चैन स्प्रे लगा रहे हैं, तो उसका ऐसा चैन स्प्रे नहीं लगाया जाता है। चैन स्प्रे लगाने का एक तरीका है जो कि मैं आपको बताता हूँ। चैन स्प्रे को बिल्कुल हल्का सा दबाना है, जैसे कि देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल इस कंडीशन में, और धीरे धीरे चैन स्प्रे को बस जो आपकी रबड़ की जो रिंगें लगी है चैन में, बस उन पर लगाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बस आपको ऐसे चैन इस पे पूरा बस रिंगों पर ही लगाना है, पूरी चैन पर नहीं लगाना है। इससे आपकी जो चैन स्प्रे है वो भी काफ़ी अच्छा चलेगा और आपकी बाइक के टायर और चैन भी ज़्यादा गंदी नहीं होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं कैसे चैन स्प्रे लगा रहा हूँ, बिल्कुल रिंगों पे, रिंग टू रिंग लगाना है आपको बस, क्योंकि हमें चैन स्प्रे की ज़रूरत बस रिंगों पर ही है, वरना पूरी चैन पर लगाने की हमें चैन स्प्रे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ पे लुब्रिकेशन चाहिए वो है रिंगे, तो हमें बस रिंगों को लुब्रिकेट करना है हल्का सा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं बिल्कुल कितनी स्पीड स्लो स्लो लगा रहा हूँ, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट जो चैन स्प्रे है वो काफ़ी अच्छा लग जाएगा चैन पे, मतलब जहाँ चैन पे ज़रूरत है बस वहीं चैन स्प्रे लगाना है। तो हमारी चैन को बस रिंगों पर ही ज़रूरत है, तो हम रिंगों पर ही चैन स्प्रे लगा रहे हैं। देखिए मेरा एक तरफ लग गया है, और सेम यही प्रोसेस आपको दूसरी तरफ करना है, रिपीट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैन के अंदर जो रिंगें होती है वो दोनों साइडों में होती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो आपको सेम प्रोसेस दोनों तरफ अप्लाई करना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। हमने इस तरफ अप्लाई कर दिया, अब इस तरफ हम दोबारा से वापस इस तरफ अप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस सेम स्पीड के साथ, बिल्कुल स्लो स्लो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिंगों पर, बिल्कुल स्लो स्लो रिंगों पर ही चैन स्प्रे लगाना है। मैं बिल्कुल रिंगों पर ही चैन स्प्रे लगा रहा हूँ, ना तो चैन पर लगा रहा हूँ ना कहीं और इधर उधर। इससे चैन स्प्रे की लाइफ भी अच्छी रहेगी, आपकी एक बोतल काफ़ी टाइम चल जाएगी। जो मैं चैन स्प्रे यूज़ ले रहा हूँ वो ये रॉयल एनफील्ड का चैन स्प्रे है, क्योंकि मेरे पास एक रॉयल एनफील्ड बाइक है और एक हीरो इम्पल्स है, तो मेरा दोनों बाइकों पर चैन स्प्रे मैं रॉयल एनफील्ड वाले चैन स्प्रे से ही कर देता हूँ। आप बाजार में कोई सा भी चैन स्प्रे यूज़ ले सकते हैं, मोटूल, रोल ऑन, जो भी आपको पसंद हो। वैसे मैं अगर मेरे हिसाब से आप लोगे तो मैं रिकमेंड करूँगा मोटूल का, मोटूल का चैन स्प्रे सबसे बेस्ट है, तो आप कोशिश कीजिए मोटूल का ही चैन स्प्रे लें। उसी का चैन क्लीनर भी आता है, तो आप उसका चैन क्लीनर भी ले सकते हैं। अब मेरी बाइक की चैन तो पहले से क्लीन थी, तो इस वीडियो में बस खाली हम चैन लूप के बारे में बात करेंगे कि चैन पर लूप कैसे करें। तो फ्रेंड्स, मेरा ये चैन इस पे लग गया है दोनों तरफ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब बिल्कुल, अब आप बाइक को आपको बस हल्का सा स्टार्ट करके हल्का सा एक स्पीड पे, या तो आप व्हील को हल्का सा रोटेट कर सकते हैं 4-5 बार ऐसे इतनी स्पीड पे, जिससे कि जो चैन स्प्रे है वो पूरी चैन में अच्छी तरह लग जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं कितनी थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, तो उसी स्पीड से आपको करना है। फिर आपको थोड़ी देर छोड़ देना है चैन को, बाइक को अभी चलाना नहीं है, फिर आप थोड़ी देर बाद में बाइक को चला सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय दोस्तों।